हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड द लास्ट वीडियो प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अभी तक हमने पढ़ा कि प्लास्टिक जो है हमारे लिए, हमने देखा कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइट है, ड्यूरेबल है, चीपर है, स्ट्रॉन्ग है, इजी टू कैरी है, नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट करके चीज़ें ख़राब नहीं करता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कि फिर भी हमें प्लास्टिक को एक कंट्रोल्ड अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए। ये हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, वही हम रीड करेंगे प्लास्टिक एंड द एन्वायरमेंट में। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. तो जब भी हम मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पॉलीथीन या प्लास्टिक की पैकिंग में होती हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। तो एक मेन रीज़न तो यही है कि हमारे घर में जो है प्लास्टिक का ढेर होता जा रहा है। ठीक है, कोई भी सामान लेके आ रहे हैं, चाहे हम दूध लेके आ रहे हैं, चाहे हम कपड़े लेके आ रहे हैं, चाहे हम सब्जी लेके आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन लेके आ रहे हैं, सब कुछ तो प्लास्टिक में रैप होके आ रहा है, कवर होके आ रहा है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। और हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में एक्सेस हो जाता है तब हम उठा के इसको गार्बेज में डाल देते हैं। तो इसीलिए जो गार्बेज है वो बढ़ता जा रहा है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो इसको डिस्पोज करना, इसको डिकम्पोज करना, ख़त्म करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। ऐसा क्यों है? अब इसको रीड करते हैं कि भाई इट्स लाइक हेडेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ए मेटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो मेटेरियल जो है दो तरीके के होते हैं, कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो जो सब्सटेंस जो हैं बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में मैन्योर सीखा था कि जब हम किचन वेस्ट को हम एक गड्ढा बना के उसके अंदर भर देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट होके डिकम्पोज होके मैन्योर बन जाता है। सो दैट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो डिग्रेड हो गया, डिकम्पोज हो गया, वो है बायोडिग्रेडेबल। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कितने भी दिन मिट्टी में दबी रहें वो डिकम्पोज नहीं होंगी, जैसे कि प्लास्टिक है, जैसे कि आपकी मेटल्स हैं, ठीक है, जिनमें आपकी सॉफ्ट ड्रिंक आती है ना, जो आयरन की, जो इसकी मेटल की बनी होती है, टिन की बनी होती है, जो आपकी कैन, तो वो जो है उनको हम कितने ही सालों तक क्यों ना सॉइल के नीचे दबा के रखें, वो आसानी से जो है डिग्रेड नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती। सो दे आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। एज यू कैन सी इन द टेबल 3.3, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर कैन बी डिजनरेट इन टू 1 to 2 weeks। इनको एक से दो हफ्ते लगते हैं डिकम्पोज होने में। सो दे आर द टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल। अब ये पेपर है, 10 to 30 days में ये डिजनरेट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। सो दैट्स ऑल्सो ए बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। कॉटन क्लॉथ, वुड, वुडन, वुलन क्लॉथ्स, ये सब क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। ये विद इन अ ईयर और सम टाइम इन अ मंथ्स दे कैन डिकम्पोज, सो दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बायोडिग्रेडेबल। बट टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस एंड प्लास्टिक बैग्स दे टेक सेवरल ईयर्स टू बी डिग्रेड। जिनको डिकम्पोज होने में पता नहीं कितने सैकड़ों साल लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दे नीड टू डिकम्पोज। सो दे वी पुट दम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब प्लास्टिक को क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने में, तो ये इन्वायरमेंट का फ्रेंडली नहीं है। अगर जल्दी से डिकम्पोज हो जाता तो प्लास्टिक की कोई दिक्कत ही नहीं थी, इससे तो बढ़िया चीज़ ही नहीं होती। लेकिन प्लास्टिक के ढेर जमा होते जा रहे हैं। पहले वाला प्लास्टिक डिकम्पोज हुआ नहीं है, 10 साल पुराना भी डिकम्पोज नहीं हुआ, 100 साल पुराना भी डिकम्पोज नहीं हुआ है, और उसके बाद भी कंटिन्यू बनता ही आ रहा है, गार्बेज में जाता ही जा रहा है। ठीक है, तो प्लास्टिक इतना हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम बन गया है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब अगर इसको हम सॉयल में दबा देते हैं, मिट्टी में दबा दें, तो वहाँ पे होता है सॉयल की फर्टिलिटी को ये डाउन कर देगा, वहाँ पे पेड़ पौधे उगने बंद हो जाते हैं। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली। अब अगर इसको सिंथेटिक फाइबर की तरह अगर 1% इसको जलाने की भी सोचें कि चलो जला के ख़त्म कर दें, तो भी ये जो है 100% डिकम्पोज नहीं होता है, उल्टा और हो जाता है एक काम
कि इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन टू द एटमोसफियर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. जलाने से ये बहुत सारी पॉइजनस गैसेज जो है एयर में ओवर एड कर देता है, जिससे एयर पोल्यूशन फैलता है. सो हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, तो इसका इलाज क्या करें? ना तो मिट्टी में दबा सकते हैं, ना इसको पानी में डाल सकते हैं. अगर वाटर में डाल दें तो वहाँ पे जो ये वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब मछलियाँ हैं, कछुए हैं, वो ये पॉलीथीन खा लेते हैं. खाते नहीं तो वो उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती है, वो बेचारे इनके अंदर फंस जाते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है. अगर इसको जला दें तो एयर पोल्यूशन होता है, तो इसका करें तो क्या करें? सो इसके लिए जो हम सॉल्यूशन जो कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को अवॉइड करने की कोशिश करें. मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर अ शॉपिंग. जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो पॉलीथीन या प्लास्टिक के बजाय आप घर से कोई सूती कॉटन का या जूट का बना हुआ कोई बैग लेके जाएं. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. तो जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, मटेरियल है, जैसे अपने घर का किचन वेस्ट है, ठीक है, ये चीज़ें हम अलग रखें. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे सिरिंज है, निडल है, और जो आपकी टीन कैन है या फिर आपकी पॉलीथीन्स है, इनको आप अलग से रखें और उनमें ऐड ना करें, और इनको अलग से कहीं कचरे में डालें, उनको अलग कचरे में डालें. इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट. और प्लास्टिक वेस्ट को फिर से रिसाइकिल कर लें. रिसाइकिल करने का मतलब होता है कि उसको मेल्ट करके उससे नए प्रोडक्ट फिर से बना लें. मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड. जो थर्मोप्लास्टिक हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इनको बार बार गर्म करके फिर से मोल्ड करके न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. सो द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, सो वी कैन यूज़ देम अगेन. मेक ए लिस्ट ऑफ द आइटम. आप ऐसे आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है. एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल. क्योंकि आप 8th क्लास में हैं, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं आज के टाइम के, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लेकिन आप भी अब बड़े हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ों को. तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये 5 जो प्रिंसिपल हैं इनको आप फॉलो करें. दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज. तो इसका मतलब है कि प्लास्टिक को यूज़ करना थोड़ा सा कम करें, रिड्यूस करें. रीयूज का मतलब है कि अगर आपने प्लास्टिक घर में ले आए हैं तो उसको बार बार यूज़ करते रहें, उसको जल्दी से फेंकें नहीं. रिसाइकिल का मतलब है अगर वो बिल्कुल डैमेज है, टूट गया है, तो उसको किसी कबाड़ी को या रिग पिकर को, किसी कूड़ा कचरा उठाने वाले को, चुनने वाले को दे दें, वो उसको फिर से रिसाइकिल करने के लिए फैक्ट्रीज़ में भेज दे, वो उसको मेल्ट करके कुछ और उसका प्रोडक्ट बना दे. दैट इज़ रिसाइकिल. रिकवर एंड रिफ्यूज़, इसका मतलब ये है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको फिर भी पॉलीथीन बैग मिल रहा है, तो आप उसको मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए, मैं जो भी सामान है, चाहे सब्जी है, चाहे कोई मेडिसिन है, मैं इसको अपने हाथ में, अपनी जेब में, या मैं अपने घर से कोई कॉटन बैग लेके आया हूँ, मैं उसमें ले जा सकता हूँ, मुझे आपकी पॉलीथीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप प्लीज़ मुझे पॉलीथीन ना दें. तो आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं. तो इस तरीके की ये जो 5 हैबिट्स हैं, आप इनको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, देन यू विल बी एनवायरमेंट फ्रेंडली. ठीक है, यू विल बी एनवायरमेंट फ्रेंड. सो आज के ये जो 3rd चैप्टर है बेटा, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है. पढ़ाई करते रहें. बाय बाय.